13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, रात 12 बजे का वक्त। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त 1947 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आजादी। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता? अगर पाकिस्तान ना होता तो बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा चुकी होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी गुजरात में 2002 में मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई, जैसे 1984 में सिखों की नस्ल कुशी की गई। अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज भारत का हर मुस्लिम अक्सरियती शहर मकबूसा कश्मीर होता, मस्जिदें गोल्डन टेंपल और चरार शरीफ की तरह जला दी जाती और घर वापसी तहरीक के नाम पर मुस्लिम आबादियों की शहरियत मनसूख कर दी जाती। कुदरत जब किसी कौम पर मेहरबान होती है तो वो उसमें ऐसे बेलौस कायद पैदा कर देती है जो इस कौम की डौलती कश्ती को अपने हुस्न तदब्बुर से साहिल तक ले जाते हैं। कायद आजम बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक ऐसे ही कायद बनकर उभरे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में तारीख के मुहक्किक और उस्ताद स्टैनली वॉलपर्ट ने कायद आजम के बारे में कहा था, तारीख में चंद ऐसे अफराद होते हैं जो इसका धारा मुतय्यन कर पाते हैं, महज चंद अफराद ही ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा तब्दील कर देते हैं और बमुश्किल कोई एक किसी कौमी रियासत की बुनियाद रखता है। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारहाए नुमाया एक साथ कर दिखाए। अल्लामा इकबाल का नाम और तहरीक पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, फलसफी, कानूनदान और सियासतदान होने के अलावा तहरीक पाकिस्तान की नामवर शख्सियात में शुमार किए जाते हैं। अल्लामा इकबाल ही ने नजरिया पाकिस्तान पेश किया जिसकी बदौलत तख्लीक पाकिस्तान मुमकिन हुई। तहरीक आजादी का जिक्र मोहसिन मिल्लत और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के नाम के बगैर अधूरा है। वो तहरीक आजादी के हवाले से हर जिद्दोजहद में कायद आजम के शाना बशाना रहे। इसी वजह से कायद आजम ने उन्हें अपना दस्ते रास्त करार दिया। आज पाकिस्तान और आवाम तरक्की की उस मेराज की जानिब गामजिन है जो जिंदा कौमों की मंजिल होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जेर एहतमाम एक सर्वे के मुताबिक 125 ममालिक में से पाकिस्तानियों को दुनिया के जहीन तरीन अफराद में चौथे नंबर पर रखा गया है। अरफा करीम रंधावा दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। अरफा करीम ने 2004 में माइक्रोसॉफ्ट का इम्तिहान नुमाया पोजीशन लेकर पास किया। अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की बात आए तो इस मैदान में भी पाकिस्तान ने वो नस्ल पैदा की कि जिसने अपने लहू से तारीख रकम की है। एतजाज़ हसन नामी बच्चा ऐसे ही अज़्म की दास्तान है। एतजाज़ हसन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 6 जनवरी 2014 को खुदकुश हमलावर को रोकते हुए अपनी जान कुर्बान की और 700 से ज़ायद बच्चों की जान बचाई। इंसानियत की बेलौस खिदमत का जिक्र आए तो अब्दुस्सत्तार ईदी पाकिस्तान की वो हस्ती हैं जिसकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त वेलफेयर सर्विस में शुमार होती है और जिसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
ऐसा ही एक और नाम डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी का है। डॉक्टर साहब का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन उन इदारों में से एक है जो अब तक लाखों की तादाद में मुफ्त मरीजों का इलाज कर चुका है। पाकिस्तान की काबिले फखर बेटी समीना ख्याल बेग का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा गांव शमशाल से है। समीना बेग ने सिर्फ 21 साल की उम्र में 19 मई 2013 को दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करके एक नई तारीख रकम की। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब भी पाकिस्तानी कौम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ये कौम जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई। दुश्मन की जारहियत हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, पाक फौज की तारीख कुर्बानियों की वो तवील दास्तान है जिसमें आम सिपाही से लेकर जर्नैल तक शहादतें दे चुके हैं। दौरे हाजिर में जब पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना हुआ तो SIFC जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि मुल्क के अंदर सियाहत, ज़राअत और सनती तरक्की का बेड़ा भी उठाया। पाकिस्तान खूबसूरत वादियों, चार मौसमों, सरसब्ज जंगलात, हसीन वादियों, बुलंद बाला पहाड़ों और सब्ज लहलहाते खेतों का मुल्क है। इस मुल्क का हर चप्पा और हर कोना अपने अंदर हजारों सालों की तारीख और खूबसूरती समेटे हुए है। 14 अगस्त 2024 के इस पुरमसरत मौके पर हमारी अपने प्यारे मुल्क के लिए यही दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो।